गाइस, इस वीडियो में हम हीमोसाइनिन और हीमोरिथ्रिन डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये क्या होता है ना, ये होता है हमारा ऑक्सीजन कैरियर. हमारा नहीं, इंसेक्ट्स में होता है. जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे इंसेक्ट्स में हीमोसाइनिन और हीमोरिथ्रिन होता है. हीमोरिथ्रिन है हीमोरिथ्रिन और हीमोसाइनिन. ओके, तो चलिए पहले हम हीमोसाइनिन पढ़ेंगे. अब देखिए, इसके नाम से आपको लग सकता है कि हीमोसाइनिन मतलब हीम होगा. और एक और बात, सबसे बेसिक बात होती है ना कि हीम सोच के मैं, तारे आयरन है क्या? नहीं, अगर पोरफायरिन रिंग हो ना तभी एक्चुअली वो हीम होता है. हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. हीम मतलब एक्चुअल में जो ही होता है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वो आयरन की वजह से उसको हीमोग्लोबिन नहीं कह रहे हैं. वो हीम जो होता है ना, पोरफायरिन रिंग हो तब उसे हम हीम प्रोटीन कहते हैं. ओके, अब देखिए हीमोसाइनिन, ये बस नाम ऐसा है इसका, ना तो इसमें हीम है ना तो इसमें साइनो ग्रुप है. आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ना तो उसमें हीम दिखेगा आपको, ना आपको साइनो ग्रुप दिखेगा. ये बस इसका नाम है हीमोसाइनिन. ओके, तो ये क्या होता है ना, इंसेक्ट्स में ऑक्सीजन कैरियर होता है. जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, ये इंसेक्ट्स का होता है. ठीक है, तो ये देखिए नेट गेट में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो देखिए आप ध्यान से देखिए कि इसमें कॉपर वन मतलब प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ऑक्सीजनेट होने के बाद मतलब ऑक्सीजन ऐड करने के बाद ये क्या होता है, प्लस टू में चला जाता है. तो ऑक्सीजन कैसे ऐड होता है ये देखिए आप. ठीक है, एक तो होता है इसमें एन हिस्टिडीन होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ऐड हुआ है. ठीक है, तो ये वाला बहुत मेन है. और दोनों का इसका जो मतलब दो होता है, सोचिए दो कॉपर है ना, तो दोनों पहले प्लस वन में होता है, प्लस टू में हो जाता है ऑक्सीजन ऐड करने के बाद. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये ऑब्वियसली कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है. स्नेल्स जैसे इनवर्टिब्रेट्स में या स्नेल्स में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ये वाला देखिए कलरलेस होता है, पर ये वाला हमारा कलर होता है नीला. आपने खून देखा तो नहीं होगा, पर आपको पता होगा स्नेल क्रैब ये सब का ना खून ब्लू कलर का होता है, नीला नीला होता है. हम लोग का तो लाल नहीं होता है, वो तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना. ये कलर क्यों होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों कलर होता है, ये कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है. ओके, क्योंकि ये जो हमारा ये है एन, इसका ये ट्रांसफर करेगा कॉपर में. ठीक है, इसकी वजह से नीले कलर का होता है. और ये दोनों ही डायमैग्नेटिक है. क्यों, अब आप सोच सकते हैं क्यों डायमैग्नेटिक है, क्योंकि दोनों में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग है. क्योंकि देखिए दो है ना, कॉपर वन प्लस वन, कॉपर प्लस वन, तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों कपल कर लेंगे. ऐसे ही यहाँ वाले में भी होगा. अब हम आते हैं हीमोरिथ्रिन. सबसे बड़ी ये देखिए वही काम करेगा, जैसे ये है ट्रांसपोर्ट करता है ना, ये भी उसी तरह के होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं ये भी. अब देखिए इसमें 8 यूनिट होता है, और हर यूनिट में देखिए 113 अमीनो एसिड होता है, और 2 आयरन एटम होते हैं. ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ तो किस तरह, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से हुआ है. ये वाले का आप देखिए, बस आप थोड़ा देख लेंगे स्ट्रक्चर ना, तो फिर नेट गेट में तो सवाल आए भी हुए हैं, तो बस आपको एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में, तो आप ये कर लेंगे. और अगर आपको कोई बुक कंसल्ट करनी है तो आप इसको अजय कुमार से पढ़ सकते हैं. ओके, अब देखिए इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कहाँ, देखिए पहले वाला ये देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोऑर्डिनेटेड था ऑक्सीजन ऐड होने से पहले की बात कर रहे हैं. और ये हमारा था 5, कैसे देखिए 1 2 3 4 5. ठीक है, और दोनों प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और ऑक्सीजन ऐड होने के बाद दोनों प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों प्लस थ्री में हो जाएगा. बस फर्क क्या होगा, ये 6 और ये 5 का, तो ये भी 6 कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा. देखिए यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से. ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं, और कोऑर्डिनेटिवली ये वाला जो होता है अनसैचुरेटेड था, अब तो 6 6 हो गया दोनों में. ओके, अब देखिए मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन मतलब कौन रिवील करता है, मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिवील करता है कि इन दोनों का जो है मतलब एनवायरमेंट अलग था. मतलब ये कहना चाहते हैं कि 5 कोऑर्डिनेटेड था, 6 कोऑर्डिनेटेड था. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. और ये वाला मतलब नेट गेट में बहुत फ्रीक्वेंट है. ओके, बायो इनऑर्गेनिक, अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लें तो आप इसका सवाल कर लेंगे. बस स्ट्रक्चर का आपको आइडिया होना चाहिए. ओके, थैंक यू.